दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। और इस समय मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के अंतिम छोर पर बसे ढासा गांव में। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये माता नंदकौर पब्लिक स्कूल है जो ढासा गांव में स्थित है। और वीडियो में जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये 12वीं कक्षा के वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CBSE के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की। और ये हमारे साथ तमाम वो चैंपियंस हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में वर्ष भर मेहनत करके टॉप किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल 186 के करीब स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 145 बच्चे मेरिट में आए हैं और 6 बच्चे जिनके 100 में से 100 मार्क्स जिन्होंने सिक्योर किए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं और चीयर अप करें, ये एक ऐसी उपलब्धि है। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो का एक उद्देश्य है इन सब छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे कि वर्ष भर मेहनत कैसे की जा सकती है, कैसे चैंपियन बना जा सकता है, कैसे अपने माता पिता शिक्षकों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है और टॉप किया जा सकता है। इन सब सवालों के हम जवाब बच्चों से ही लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माता नंदकौर पब्लिक स्कूल जो पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में न केवल गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहा है, अपितु खेल के क्षेत्र में और खास तौर से जो हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र की पहचान है, संस्कृति के क्षेत्र में और हमारी सभ्यता, इन बच्चों को भारत देश के बेहतर नागरिक बनाने में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे साथ कुछ शिक्षक गण भी हैं जो लगातार, जिनकी मेहनत से इन बच्चों ने आज वो मुकाम हासिल किया है जो हर माँ बाप का सपना होता है। तो आइए बात की शुरुआत छात्रों से ही करते हैं। कुछ छात्राओं से हम बात करेंगे, जानेंगे सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जी यस बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया। ओके, कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? साइंस थी। कितना स्कोर किया है? 93.6। तो कैसे आते हैं ये इतने ढेर सारे मार्क्स? मतलब कोई जादू की छड़ी है या क्या है, कैसे इतने सारे मार्क्स आ जाते हैं? डिसिप्लिन। उसका क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं? मैं अपने टीचर्स को उसका क्रेडिट दूं, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल। कुछ दिक्कतें भी आई? नहीं, ऐसा वो अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेट किया जाता है वो तो। आगे क्या सोचा है? जेई का। तैयार है इसके लिए? हाँ। बड़ा कंपटीशन होता है? कर लेंगे। ओके, चलिए, आपका क्या नाम है? टीना। ओके, तो कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? साइंस। कितना स्कोर किया आपने? 89%। तो कैसे आए ये मार्क्स? मेहनत से, कंसिस्टेंसी। और मतलब ये नहीं है, मतलब करते रहो, एक दिन छोड़ दिया, दो दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, लगातार लगे रहो, धीरे धीरे करती है लेकिन डेली करती है। चलिए, क्या क्या नाम है आपका? निधि। कौन सा स्ट्रीम था? आर्ट्स। कितना स्कोर किया है? 87%। आगे क्या सोचा है? आगे PRT टीचिंग लाइन वाली। अच्छा, टीचर अच्छे लगते हैं? जी, टीचर अच्छे लगते हैं, इसलिए टीचिंग लाइन चूज़। कौन बेस्ट टीचर आपके स्कूल का? बेस्ट टीचर तो ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते। आपको पसंद कौन है? नहीं, मुझे सभी टीचर्स पसंद है। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। बिल्कुल, सभी टीचर पसंद है आपको? भी सभी टीचर पसंद है? हाँ जी सर। अच्छा, किसी टीचर ने खास आपको ये शाबाशी दी कि बेटा ऐसे करो, ऐसे मार्क्स आ जाएंगे? सबके सर, पूरे फर्ज है, अगर टीचर ही हमें इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमने ना कोई होम ट्यूशन, ना कोई बाहर वाला ट्यूशन अडॉप्ट। मम्मी ने नहीं कहा बेटे कुछ काम भी कर लो, आगे काम आएगा कुछ घर के काम? नहीं सर, पेरेंट्स के इतने सारे फर्ज और टीचर के इतने सारे फर्ज है, तभी आज हम यहाँ सबसे अलग खड़े हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका क्या है? ह्यूमैनिटीज। तो ये डिफरेंट सा सब्जेक्ट है, क्यों चुना आपने ये? सर, बेसिकली हमें जो अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, वो हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करनी होती है। मैंने अपने टीचर से भी कंसल्ट किया था, अपने नेबर से भी कंसल्ट किया था, तो हमें, मेरे सभी टीचर्स ने मुझे यही सलाह दी थी कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स स्ट्रीम में था, तो मैंने आर्ट्स ही चूज़ किया। ओके, तो चलिए अब एक ऐसी टॉपर छात्रा से बात करते हैं जिसने 100 में से 100 नंबर लिए हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मुस्कान। तो चेहरे पर मुस्कान के साथ 100/100। यस सर। कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी। बड़ा टफ सा मानते हैं ज्योग्राफी को तो? हाँ सर, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, अगर मेहनत करें तो वो भी हो जाते हैं। तो कैसे आई ये 100 में से 100? टीचर का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था और मेरी मेहनत थी। वेरी गुड। आगे क्या सोचा है? टीचर। वेरी गुड।
बिल्कुल तमाम इन छात्राओं से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि कैसे सफलता पाई जा सकती है, 100 में से 100 नंबर लेना बिल्कुल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माता नंदकौर पब्लिक स्कूल के तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो इस समय 10वीं कक्षा में हैं, 11वीं में हैं या 9वीं कक्षा में हैं। जब वो मुस्कान का यह इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे बीच में रहने वाली हमारी एक ऐसी साथी है जिसने 100 में से 100 नंबर लिए हैं। बिल्कुल खुशी होती होगी मुस्कान को लेकर या थोड़ी जलेसी भी है? नहीं सर, इसके मार्क्स को देख के बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। क्या सोचा? क्या मतलब? कि मुस्कान के इतने नंबर आए तो आपने अपने बारे में कुछ परिवर्तन या कुछ इंस्पायर हुए इससे? यस सर। क्या इंस्पायर हुए? मैंने इसे ये सोचा कि मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, टीचर की गाइडेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मुस्कान के मार्क्स देख के पता चला कि सच में 100 में से 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं। बिल्कुल जोरदार तालियां इसके कॉन्फिडेंस के लिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। बिल्कुल दोस्तों, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको मुस्कान जैसे नंबर दिला सकता है, ये दावा है माता नंदकौर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा का। क्या नाम आपका? मेरा नाम सिमरन। बिल्कुल सिमरन सोचती है कि जैसे मुस्कान के 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के नंबर आ सकते हैं। क्या नाम है? हिमांशी। तो क्या रहा स्कोर आपका? सर मेरा साइंस साइड था और मेरा 86% स्कोर था। चलिए, तो साइंस में तो 86 को थोड़ा कम मानते हैं, कहाँ चूक रह गई? सर कंसिस्टेंसी थोड़ी मेंटेन नहीं हो पाई। कारण? सर कारण डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया बोल सकते हैं। ओके, तो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए? सर टोटली दूर नहीं रहना चाहिए सर, थोड़ा कनेक्टेड, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहना चाहिए। ओके, आप? सर मैं सेल्फ निधि। ओके, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ जी, एंड मेरा 12th में स्कोर 92% रहा है। वेरी गुड, आगे क्या सोचा है? आगे सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। कुछ अपने दोस्तों के लिए कहना चाहते हैं कि किस तरह से 92 आ सकते हैं? सर यही है कि रास्ते में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड भी फील करोगे कभी कभी, पर वही है ना कि माता पिता के और टीचर्स के सपने सफल करने के लिए कभी ना कभी इतना तो सहना ही पड़ता है। देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट योर वर्क एंड यू जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स होम यू वॉन्ट टू बी प्राउड। वेरी गुड, सपना पालो, चाह पैदा करो और उसको पूरा करने का प्रयास करो, ये तमाम छात्राएं यही संदेश दे रही है। जी क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रिया है। सबसे पहले मैं अपने सभी अभिभावकों का और अध्यापक गणों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत के कारण आज न केवल मेरे अपितु माता नंदकौर के अनेक छात्रों ने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। मैंने 12th क्लास में 93% हासिल किए हैं और मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ। बिल्कुल, तो ह्यूमैनिटी क्यों चुना आपने सब्जेक्ट? सर ह्यूमैनिटी को आमतौर पर हमारे समाज में ये माना जाता है कि ये कमजोर छात्र ही चुन सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लेकर आईएएस ऑफिसर जैसा सबसे बड़ा पद हासिल किया जा सकता है और भविष्य में मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का ही है। बिल्कुल जोरदार तालियां इसकी हौसला अफजाई के लिए। आईएएस ऑफिसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है और इनकी जो संवाद सहेली है वो बेहतर प्रभावित करने वाली है, पूरे आत्मविश्वास से इन्होंने अपने पक्ष को रखा है। जी क्या नाम है? निकिता। आईएएस बनना आसान है मुश्किल है? अगर हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान है। वेरी गुड, मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान है। बिल्कुल, आप आइए आगे। आपको लगता है मेहनत करने से आईएएस बना जा सकता है? सर मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है, मोटिवेशन भी चाहिए होता है कि रास्ते में बहुत सारे ऐसे दिक्कतें भी आते हैं, लेकिन हमें उन दिक्कतों को साइड में रख के हम अपने बस लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए। चलिए, इन सफलताओं का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सर मैं इन सफलताओं का श्रेय अपने टीचर्स, पेरेंट्स और खुद को भी देना चाहती हूँ, सभी को। चलिए, एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल है कि आप माता नंदकौर पब्लिक स्कूल में ही क्यों हैं? देखिए सर, स्कूल चाहे कोई भी हो, सभी टीचर्स अपना बेस्ट देना चाहते हैं और न केवल सिर्फ ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे स्कूल नहीं होते, लेकिन एक एग्जांपल के तौर में अब की बार बादली की एक छात्रा ने जिसका नाम प्रख्या, अब की बार यूपीएससी में 584th रैंक हासिल किया, जिससे न केवल मुझे अपितु माता नंदकौर के अन्य विद्यार्थियों का हौसला भी उपजाऊ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार प्रख्या गुलिया के लिए भी आप तालियां बजाइए, जो आप ही के स्कूल में पढ़ करके जिसने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया है और आप सब लोगों के लिए एक संदेश भी दिया है कि माता नंदकौर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र और छात्रा यूपीएससी क्रैक कर सकता है। जी क्या नाम है आपका? जतिन। जतिन कौन से स्ट्रीम से हैं आप? ह्यूमैनिटी से। ह्यूमैनिटी से, कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 88%। ओके, तो क्या है ये, किस तरह से 88% मार्क्स आए और इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं? क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को ज़्यादा जाता है, थोड़ा मुझे भी जाता है। अच्छा, आपको कैसे? मैंने कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क किया, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी, इसीलिए थोड़ा बहुत।
अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की कम है, तो क्या ये इस डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है इसके पीछे? लड़के डिस्ट्रैक्शंस में ज्यादा रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे लड़की कम है। क्या नाम है बेटा? कुणाल। कुणाल, कौन सा स्ट्रीम था? ह्यूमैनिटीज। ओके, तो कितने नंबर आए हैं? 85%। आगे क्या सोचा है? सर यूपीएससी के लिए। यूपीएससी, परीक्षा से मिले थे आप? नो सर। जानते हो परीक्षा को? नो सर। तो लगता है आपको यूपीएससी क्रैक हो जाएगा? सर कोशिश तो करेंगे सर, वो भी हो सकता है। हो सकता है सर, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। यस बेटे, मैं अपने जूनियर्स को कुछ एक स्ट्रेटेजी ऐसी बताना चाहती हूँ जिससे वो भी कुछ अलग स्कोर कर सकते हैं। मेरी तीन स्ट्रेटेजी हैं। फर्स्ट, स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अगर आप स्टिक कर लोगे ना, आपको इतने ज़्यादा पीवाईक्यू सैंपल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हार्डवर्क प्लस अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाइए जिससे आपको समझने में आसानी हो। थर्ड मेरा ये है कि आपके जैसे एफर्ट्स हैं, अपने टीचर से रेगुलर कंसल्टेशन मिलेगी। रिवीजन जो है वो हर एक एग्जाम है, जैसे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, एंड लाइफ का कोई भी एग्जाम है, उसमें अगर हम रिवीजन करेंगे, अगर हम जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो जैसे मॉक टेस्ट हम देते हैं और जैसे हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनसे जो जो नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में ये कमी रह गई, जैसे एमसीक्यू में, या फिर जो आंसर राइटिंग, जो इम्प्रूवमेंट में अगर कोई कमी रह गई है, तो उसको इम्प्रूव करें। और जो भी मार्क्स आपने हासिल किए, चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा, उनसे एक अपना एक उनसे जो आपका रिजल्ट आया है, उससे एक चीज़ ज़रूर सीखें कि आपकी क्या कमी थी और उसको इम्प्रूव करें, रादर देन कि मार्क्स कम है तो मतलब डिमोटिवेट होना और उसको निराश लेकर के बैठ जाना, ये ज़रूरी नहीं है। और जैसे कि मार्क्स का क्या है, वो तो ज़्यादा कमाते रहते हैं, बट हमारा जो गोल है वो एक एम जो हमारा ये हाई होना चाहिए कि हार्डवर्क, अगर हमारा एम ही अगर हाई होगा कि हमें हार्डवर्क करना है, तो मार्क्स डजंट मैटर कि वो लेस है या फिर मोर। जोरदार तालियां इस बेटी के लिए, वेरी गुड सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको एक बेहतरीन परीक्षा परिणाम के लिए। थैंक यू। किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं और किस तरह से बच्चों को वर्ष भर अनुशासित रख करके और इस परीक्षा परिणाम की सफलता तक पहुंचा पाते हैं? देखिए, हमारा सबसे पहले प्रयास ये रहता है कि हमारा रिजल्ट 100% रहे, और कोई भी बच्चा अगर किसी तरह की उसमें कमी दिखाई पड़ती है तो हम बच्चों को पहले सलाह देते हैं कि बेटा, जब तक तुम चाहे कितने भी कोचिंग ले लो, ट्यूशन कर लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, खुद लिखना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। और अगर फिर भी, अगर मान लीजिए बच्चा मेहनत भी कर रहा है, एग्ज़ाम देता है, उसमें ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, तो हमने बहुत सारे इनके वर्कशॉप कराए हैं, इनकी काउंसलिंग भी कराई है, और भविष्य में आप क्या करके, किस सब्जेक्ट को पढ़ करके, किस सब्जेक्ट में, कौन से फील्ड में जा सकते हो, इस तरह की सभी तरह की सुविधा हम स्कूल की तरफ से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। चलिए, कुछ जो हमारे दर्शक चैनल देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हमें देख और सुन पा रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, सफलता पाने का सूत्र क्या है? हमारी तरफ से मैसेज ये होता है कि एक अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, और पेरेंट्स कितना भी चाहे कि हमारा बच्चा ये बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसे नहीं बन सकता। जब तक बच्चे का, टीचर का और पेरेंट्स का तालमेल नहीं बनता, तब तक बच्चे की आगे परफॉर्मेंस ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि खासतौर से हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर हों कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। बच्चा अगर ट्यूशन कर रहा है या स्कूल में जाता है, तो वो आज क्या सब्जेक्ट पढ़ के आया, कितना पढ़ा उसने, कितनी मेहनत की, या उसने जो टेस्ट दिए उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हों, लेकिन बच्चे पर नज़र रख सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आज के दौरान, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप विद्यार्थियों में क्या कमियां देखते हैं कि उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आप रिजल्ट को भी देख सकते हैं, कि हमारी जो छात्राएं हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो बेहतर डिसिप्लिन में रहती हैं, उनको एक बार कहने का, केवल एक गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस वैसा कर लेती हैं। लेकिन ख़ासतौर से जो बॉयज़ हैं, उनके जो लाइक और डिसलाइक होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो खास तौर से अब कोरोना आने के बाद वो इस तरह से परेशान रहते हैं, सोशल मीडिया पर इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें उससे बाहर निकल करके कुछ सोचने की, कुछ समझने की इतनी समझ नहीं आई है।
तो हम पेरेंट्स से भी ये कहते हैं, बार बार उनको ये समझाते हैं कि बच्चे को, खासतौर से जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया से दूर रखिए और उनको पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉयज़ खासतौर से कि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, लास्ट तक ट्वेल्थ पास कर लेते लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। तो ये हमें उनको पहले से ये समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आगे लाइफ में आपको आपकी परफॉर्मेंस, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता क्या है और आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, ये उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। Some tips to my juniors that how they can score best in their boards. Firstly, be consistent. Consistency is very important to score best. अगर आप हर रोज का काम हर रोज करोगे then you will need only 3 hours to complete your work. And this improves your score from 10 to 12 percentiles. Then good afternoon to everyone. I'm Himanshi from Madanat Kaur Public School. I'm from humanities side and I scored 93.6% in my CBSE board exam 2023 and 2024. I would like to thank my school teachers, management and my parents. I would like to say that in scoring good marks, it's not only students' efforts but also teachers and whole school's efforts contribute in scoring good marks. And I'm very thankful to my teacher that they supported me very well and consulted me from time to time. Whenever I wanted their need, they provided me with every help they can give me. And I would like to say to my juniors that if you want to score good marks, consistency, discipline and your determination is very important. If you will be determined towards your dreams and scoring good marks, then you will definitely achieve it. And thank you. So myself, Nithi, I am from Matanand Kaur Public School. I have taken science stream in my 11th class and I have scored 92% in 12th class. Although I am a GE aspirant as well and a 12th student, so obviously I am not satisfied with my percentage as much as I got, but I am thinking, I am expecting much more than this. I was expecting nearly about 95%, but although it is creating a difference as well, as I was also preparing for my joint entrance exam, so I am not able to give my best for only 12th class. This is the reason I have got that much.